वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान टेक्निकल क्लासेस में। आज हम जो है ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे, कि कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से जो है ड्यूल स्टार्टर को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए जो है आज जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या इक्विपमेंट हमको लगाने पड़ते हैं कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो देखिए, कंट्रोल वायरिंग का हमने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है। इसके अनुसार देखो, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सबसे पहले हम एक MCB लगाते हैं। MCB से जो है हमारे एक आउटपुट तार निकालते हैं। आउटपुट तार जो है हमारा कहाँ जाता है, आपका OLR में जाता है। OLR यानी ओवरलोड रिले के 95 नंबर में चले जाता है। 95 नंबर में हम जोड़ करके वहाँ से आउटपुट वाला जो तार है, क्योंकि यहाँ पे जो OLR है NC होती है, NC का आउटपुट तार हमारा 96 से निकल रहा होता है। 96 से जब हम इसको जोड़ करके सीधे स्टॉप बटन की तरफ लेके आते हैं, स्टॉप बटन हमारा लाल रंग का स्टॉप बटन हम रखते हैं और उसके आउटपुट से हम एक तार निकालते हैं, वो हमारे स्टार्ट स्विच में जाता है, जो कि हमारा एक पुश बटन होता है जिसके दबाने से हमारी जो है NVC तेजित होगी या हमारा मोटर चालू होगी। ठीक है, उसी स्टार्ट बटन के पैनल ही एक जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जोड़ते हैं, जो कि हमारा होल्डिंग का कार्य करता है। ये जो हमारा सर्किट होगा वो हमारा जो है इस जो है मोटर जो हम चलाएंगे उसको होल्ड करने का कार्य करेगा, और उससे होते हुए हमारे NVC में जो सप्लाई आएगी तो NVC क्या करेगी, उसको होल्ड करके चिपका के रखेगी, जिससे कि क्या होगा हमारी जो मोटर आगे प्रोसेस होगी, आगे चलेगी। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे को क्या क्या चाहिए होगा। हमें एक कॉन्टैक्टर चाहिए होगा, जो कि हमारे 3-phase सप्लाई के लिए होता है, 3-phase मोटर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर हमने जो है ये इनपुट के होते हैं, इधर से हमारे आउटपुट के वायर जाते हैं। इसमें 2 NONC है हमारे पास, जिससे कि हम कंट्रोल डायग्राम के अनुसार जो है हमारी वायरिंग को कंट्रोल करेंगे, और एक हमारी ओवरलोड रिले दी हुई है, जो कि हमारी सप्लाई ज़्यादा होने पर जो है मोटर को ट्रिप कर देती है। तो उसी के साथ हमने लाल बटन दे रखा है, ये जो हमारा जो है स्टॉप बटन है, जो कि क्या करेगा मोटर को हमारी स्टॉप करने का कार्य करेगा। इसी तरीके से हमने एक ये जो है ग्रीन कलर का बटन दिया हुआ है पुश बटन, ये जो है हमारा मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करेगा। और हमने एक MCB ली, जो कि हमारी मेन सप्लाई की फेज को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो आइए हम इसकी कनेक्शन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ये कनेक्शन हुए हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहले कनेक्शन क्या है, हमने एक MCB लिए, हमारा जो MCB से तार आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। सबसे पहले हमारा जो MCB का तार है वो निकल के जा रहा है हमारा OLR में, जो OLR जो है हमारा यहाँ 96 जो पॉइंट है इसके अंदर जा रहा है। तो हम इसको जोड़ेंगे इसमें 96 के अंदर, जो 95 के अंदर है इसको जोड़ देंगे हम इसके अंदर। ये हमने यहाँ पे 95 के अंदर इसको जोड़ दिया है। 95 से हमारा जो है आउटपुट निकल रहा है NC होते हुए, 96 में हमारा जो है आउटपुट निकल रहा है, तो 96 से हम जो है आउटपुट निकालेंगे। तो आउटपुट निकाल करके हमारा जो है स्टॉप बटन की तरफ ले जाएंगे। 96 से हमने जो है आउटपुट लिया है, और आउटपुट के कनेक्शन हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये हमारे कनेक्शन टाइट हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको स्टॉप बटन की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारा एक स्टॉप बटन है, इसकी हम NC वाले में जोड़ेंगे, क्योंकि स्टॉप बटन हमारा NC होना चाहिए हमेशा। इस तरीके से हम इसके NC में एक बटन, इस तरीके से हम इसको कनेक्शन को टाइट कर देंगे। इसी तरीके से हम इसके आउटपुट से एक तार निकालेंगे, जो कि हमारे स्टार्ट बटन में जाएगा। तो इसके आउटपुट से हम एक तार निकाल लेते हैं, जो कि हमारे आउटपुट से एक तार जो निकलेगा वो चला जाएगा हमारे NO के बटन में चला जाएगा। NO जो पुश बटन है हमारा हरा ग्रीन कलर का पुश बटन है। तो हमने यहाँ पे ये जो है इसके आउटपुट में जो है तार जोड़ दिया है इस तरीके से, और इससे हमारा जो है ये ग्रीन वाला जो बटन है इसके इनपुट में एक तार जा रहा है, इस तरीके से जाएगा। और इसी से हमारा होते हुए एक बटन जो है हमारी NVC को जाएगा। NVC के हमारे दो सिरे होते हैं, एक होता है आपका A1 और एक होता है A2। तो इस तरीके से हम जो है NVC को तार के सप्लाई देंगे, और इस तरीके से हम जो है इसके तार को जोड़ेंगे। ये जो है हमारा A1 में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको A1 में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसको A1 में कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरीके से हमारा जो A2 है वो जो है न्यूट्रल के लिए निकल जाता है, और A2 को हम जो है न्यूट्रल के लिए निकाल देते हैं। तो A2 को हम जो है यहाँ से न्यूट्रल देंगे,
इस तरीके से हमारे पास सप्लाई के लिए दो तार हो गए कंट्रोल वायरिंग के लिए, एक जो है हमारा MCB से निकलेगा, एक जो है हमारा A2 से निकलेगा। इस तरीके से ये दोनों तार हम जब सप्लाई में जोड़ेंगे तो हमारा कंट्रोल सर्किट आएगा जो है हमारा काम करने लगेगा। इस तरीके से हम जब इसको MCB को ऑन करेंगे तो हमारा जो है ये ड्यूअल स्टार्टर की जो कंट्रोल डायग्राम है, जो कंट्रोल सर्किट हमने बनाया है, वो काम करेगा। कैसे, जैसे इसको ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसको ऑन करेंगे इस कुछ बटन को दबाएंगे तो ये स्टॉप का बटन है। जैसे हम ग्रीन बटन को दबाएंगे, ग्रीन बटन को दबाने से क्या होगा, हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे इस लाल बटन को हम दबाएंगे तो मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो आइए हम इसे चला करके देखते हैं। जैसा कि हमने कनेक्शन किया था, हम देखो इसमें कनेक्शन मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि ये किस तरीके से कनेक्शन होंगे। इसमें देखो ये आपकी MCB है, MCB का ये हमारा सप्लाई वाला तार हमने छोड़ रखा है। इससे जो तार निकलते हुए सीधा OLR के 95 में जा रहा है, ये देखो 95 दिख रहा है, 95 से NC हो के 96 से निकल रहा है, 96 से निकलता हुआ ये आपके रेड बटन में जा रहा है, ये जो कि स्टॉप बटन है, और इस स्टॉप बटन से होते हुए ये आपके जो है ग्रीन बटन में जा रहा है जो कि स्टार्ट बटन है, और स्टार्ट बटन से होते हुए ये जा रहा है आपका इसके NO में जा रहा है, किसके कॉन्टैक्टर के NO में जा रहा है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के NO में, क्योंकि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो है इसके अंदर होल्डिंग का काम करेगा। तो ये क्या होगा, इसके जो ग्रीन बटन है आपका स्टार्ट बटन, इसके पैरेलली जुड़ेगा, तो पैरेलली यानी समांतर क्रम में जुड़ेगा। समांतर क्रम में हमने इसको जोड़ रखा है, देखो NO को इधर भी जोड़ रखा है और इधर भी जोड़ रखा है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको जो ग्रीन बटन को पैरेलली जोड़ रखा है, उसके साथ ही हमने क्या कर रखा है, ये NO से सीधा एक तार दे करके हमने किसको दे रखा है, A1 को दे रखा है, जो कि हमारी NVC कोयल है। और जैसे ही हम देखेंगे, जैसे हम इसको सप्लाई देंगे इस स्टार्टर को, तो ये हमारा कंट्रोलिंग का काम करेगा, यानी ग्रीन बटन से हमारा जो है मोटर चालू होगी और रेड बटन से हमारी मोटर ऑफ होगी। तो आइए इसको चला करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारा MCB का एक तार है उसको फेज़ के अंदर दे देते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा तार हमारा A2 से निकला है जो कि हमारा NVC कोयल का है, उसको हम जो है न्यूट्रल तार दे देते हैं, इस तरीके से सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो MCB हमारी लगी हुई है इसको ऑन करते हैं। ऑन करने से क्या है, सप्लाई चालू हो जाएगी। अब जैसे ही हम इस ग्रीन बटन को दबाते हैं तो ये देखिएगा, ये आपका अंदर चला जाएगा, अंदर जाते ही यानी कि आपका कॉन्टैक्टर इसको चिपका लेगा। तो देखो ये इसकी, मैंने इसको सप्लाई दी है, ये आपके NVC ऑन कर दिए, ये इस बटन को दबाइए, देखो अंदर चला गया है। जैसे इस उस बटन को ऑफ बटन को हम दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाता है। इस तरीके से हमारी मोटर इसको लाल बटन के जरिए ऑफ हो जाएगी और ग्रीन बटन के जरिए ऑन हो जाती है। देखो एक बार हम फिर से इसको चला कर देखते हैं, ये देखो हमने इसको एक बार फिर से चलाया, ये हमारी ग्रीन बटन से ऑन हो गई है, और इसको जैसे ही लाल बटन दबाएंगे ये ऑफ हो गई है। ये हमारा जो है ड्यूल का कंट्रोलिंग सर्किट होता है, इसके ज़रिए जो है हमारी मोटर को कंट्रोल किया जाता है कि किस तरीके से हमारी मोटर जो है कंट्रोलिंग तरीके से चलती है, उसको प्रॉपर जो है वोल्टेज देता है। और ये जो होता है हमारी सुरक्षा के लिए भी होता है, इसके अंदर ओवरलोड रिले भी लगी हुई रहती है जो कि OLR होती है, जो कि हमारी जो है सुरक्षा युक्ति होती है। इसलिए हम जो है इसको 3 HP से ज़्यादा की मोटर जो होती है, 3 HP तक की मोटरें जो होती है उनको हम ड्यूअल स्टार्टर के जरिए चलाते हैं। तो ये हमारा जो है ड्यूअल स्टार्टर है, ये इसकी कंट्रोल वायरिंग थी। अब इसको हम जो इसकी पावर वायरिंग करेंगे तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम इसकी पावर वायरिंग करते हैं। तो धन्यवाद, इसी चैनल में बने रहें और इस नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।